शहीद उधम सिंह के 81वें शौर्य दिवस के अवसर पर रादौर की काम्बोज धर्मशाला में कार्यक्रम कराया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में जिला उपायुक्त मुकुल कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और 30 फीट ऊंची शहीद उधम सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। शिविर में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में जिला उपायुक्त मुकुल कुमार ने शहीद के शौर्य दिवस पर आयोजित किए गए कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि आज हम शहीदों की कुर्बानियों की बदौलत ही खुली हवा में सांस ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज यहां रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया है, जो कि पुनीत कार्य है। वहीं उन्होंने कोरोना वैक्सीनेशन के लिए भी पात्र लोगों से वैक्सीन लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि कोरोना बीमारी को तभी हराया जा सकता है जब प्रत्येक व्यक्ति वैक्सीनेट हो जाएगा और कोरोना से बचाव के नियमों की पालना करेगा। आज ये अमर शहीद उधम सिंह जी के शौर्य दिवस पर उनकी एक प्रतिमा यहाँ बनाई गई थी, जिसका अनावरण करने का मुझे शुभ अवसर मिला। मैं इसलिए आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि शहीदों से ही हम प्रेरणा लेते हैं, जिनके बलिदान से आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। और उसी कड़ी में आज एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, इसमें लगभग 200 यूनिट्स एकत्र करने का टारगेट है। तो ये एक बहुत ही पुनीत कार्य है, जिसके अंदर सभी लोग संस्थाएं लगी हुई हैं। वैक्सीनेशन के लिए मैंने अपील करी है कि जो भी पात्र व्यक्ति है, जिसको वैक्सीनेशन ड्यू है, जिसको लगने के लिए सरकारी नॉर्म्स के हिसाब से अलाउड है, वो ज़रूर वैक्सीनेशन करवाएं, क्योंकि कोरोना को बीमारी को हम तभी हरा सकते हैं जब सारे हर एक व्यक्ति वैक्सीनेट हो जाएगा और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना करेगा। ब्रेकिंग न्यूज रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।